हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चलूँ उन्हीं के नाम आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो फोन पे में मल्टीपल यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मल्टीपल यूपीआई आईडी बनने का क्या बेनिफिट है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्या मल्टीपल यूपीआई आईडी बनने का बेनिफिट क्या मिलेगा और आप अपना फोन पे में कैसे मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। अगर आपको फोन पे के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फोन पे करके प्ले लिस्ट लिंक है, उसी लिंक को ओपन करके फोन पे के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले ये बात करते हैं आपको यूपीआई आईडी की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, जब भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर के साथ, आप मोबाइल नंबर के साथ और यूपीआई आईडी भी आपका हो तो यूपीआई आईडी में कोई भी पेमेंट कर सकता है। जैसे कि कोई फ़ोनपे, गूगल पे और कितना सारा यूपीआई आईडी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे अगर आप वो आपके मोबाइल नंबर नहीं तो वहाँ पे यूपीआई आईडी से ही पेमेंट कर सकता है। तो इसलिए आपको यूपीआई आईडी जरूरत पड़ता है। और अभी आप सोच रहे हैं मल्टीपल यूपीआई आईडी हम क्यों जरूरत पड़ेगा। देखिए, मल्टीपल यूपीआई आईडीज होते हैं, अगर हर कोई अलग अलग कंपनी के होता है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ऐसे दो तीन बैंक है जो कि यूपीआई आईडी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल यूपीआई आईडी होगा तो आपका एक बैंक सर्वर डाउन होगा तो दूसरे यूपीआई आईडी से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट भेज भी सकते हैं। तो बात करते हैं यूपीआई आईडी मल्टीपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपका अगर फोन पे है तो हम फोन पे के बारे में ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम गूगल पे के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम फोन पे के बारे में बात करें। अब बात करते हैं हम मल्टीपल यूपीआई आईडी बना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोन पे, मैं मेरा फोन पे को ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर फोन पे, और मैं आपको यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक यूपीआई आईडी है, तो आप ये इसको भी चेक कर सकते हैं आपका कौन सा यूपीआई आईडी एक्टिव है। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में जाऊँगा, जब भी हम प्रोफाइल सेक्शन पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कुछ प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन खुल जाएगा, काफ़ी सारा ऑप्शन प्रोफाइल सेक्शन पे है। तो पहले हम फोन पे के बारे में काफ़ी सारा बात कर चुके हैं प्रोफाइल सेक्शन को लेकर, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फोन पे करके एक प्ले लिस्ट लिंक होगा, इस लिंक को ओपन करके आप फोन पे के सेटिंग के बारे में, प्रोफाइल सेक्शन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखते हैं यूपीआई सेटिंग, तो हम यूपीआई सेटिंग में चलेंगे। जब भी आप यूपीआई सेटिंग में चलेंगे तो देखिए ये मेरा ऊपर वाला ये जो यूपीआई आईडी है ये अभी मेरा एक्टिव है। तो ये यूपीआई आईडी येस बैंक का यूपीआई आईडी है, अभी मेरा ये करंट यूपीआई आईडी है और मैं इस यूपीआई आईडी से कोई भी पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ और सेंड भी कर सकता हूँ। तो बाकी और एक आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई आईडी, और यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं, और ये एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी। तो अभी मेरा करंट में येस बैंक का यूपीआई आईडी अभी चल रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं मेरा तो एक यूपीआई आईडी चल रहा है, मैं और दो यूपीआई आईडी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कभी आप अगर इस यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो वहाँ पर सर्वर डाउन होने की वजह से आपका यूपीआई जो भी पेमेंट होता है वो आप रिसीव नहीं कर पाते या सेंड नहीं कर पाते। अगर आपका ये दो यूपीआई आईडी भी एक्टिव होगा तो आप इजीली, अगर आप जैसे कि आपका मोबाइल नंबर अर्जेंट वाईवीएल अगर काम नहीं करे तो आप आईवीएल यूपीआई आईडी देख सकते हैं या एएक्सएल यूपीआई आईडी देख सकते हैं। तो आप यहां से अगर सारे यूपीआई आईडी एक्टिव कर लेंगे तो कोई भी यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यूपीआई आईडी एक्टिव कैसे करने, तो यूपीआई आईडी एक्टिव करने सिंपल सी बात है, यहां पर आप मेरा येस बैंक का यूपीआई आईडी एक्टिव है, तो यहां पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई आईडी के सामने मेरा एक्टिव नाउ पर लिखा है, तो मैं एक्टिव नाउ पर क्लिक करूँगा। जब मैं अभी एक्टिव नाउ पर क्लिक करूँगा तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे अभी एक वेरीफिकेशन एसएमएस जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी के थ्रू, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मैं वो मेरा अभी जो ये यूपीआई आईडी है वो एक्टिव हो जाए। तो मैं वेट करता हूँ, अभी देखिए ये कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी आप ऐसे एक्टिव करिए, जब भी आप एक्टिव करते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए, अगर आपका एसएमएस कंटिन्यू हो जाएगा और एक ओटीपी आ जाएगा तो आपका यूपीआई आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपके पास फोनपे में मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ये था पूरा वीडियो कि आप फोनपे में कैसे मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपको फोनपे में कैसे मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करना है और उससे क्रिएट करने का बेनिफिट भी आपको क्या मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके